Hello everyone, welcome to Wikipedia. Myself Ankush Sharma, Senior Faculty of Amino IS. Governor General's की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड वेलेसली. लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस. लॉर्ड कॉर्नवालिस का पीरियड था फ्रॉम 1786 टू 1793. लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद इंडिया का गवर्नर जनरल बनता है जॉन शोर. जॉन शोर का पीरियड रहता है फ्रॉम 1793 टू 1798. देन 1798 में इंडिया का गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड वेलेसली और ये इंडिया में रहता है 1805. आज हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड वेलेसली को. लॉर्ड वेलेसली का नाम सुनते ही हमारे माइंड में आता है सब्सिडरी अलायंस. ओके, सब्सिडरी अलायंस ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस. ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सब्सिडरी अलायंस. सब्सिडरी अलायंस के अंडर में ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि जो हमारे रूलर्स हैं वो उनके सबॉर्डिनेट हो जाएं, उनके अंडर में सब्जुगेट हो जाएं. ओके, अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट की तो एक कॉन्सेप्ट इंडिया में लेकर आया है डुप्लेक्स और वो इंडियन रूलर्स को अपनी आर्मी मतलब फ्रेंच आर्मी रेंट पर देता है. कैश लेता है, पैसा लेता है, ठीक है, टेरिटरीज को लेता है और वो रेंट पर देता है. नेक्स्ट 1765 में ब्रिटिशर्स अवध के साथ एक ट्रीटी करते हैं एंड इस ट्रीटी के अंडर में ब्रिटिश गवर्नमेंट अवध के नवाब को प्रॉमिस करती है कि अवध के फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट करना ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्लियर. बट इसके बदले में अवध के नवाब को ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होगा कैश, ठीक है, देनी होगी टेरिटरी. तो ये कॉन्सेप्ट पहले से चल रहा है. वेलेसली क्या चेंज करता है, तो वेलेसली इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करता है, इसकी क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस वो बनाता है और इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर ट्रीटी को साइन करता है. क्वेश्चन आता है कि वेलेसली इस ट्रीटी को जिसको हम सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम बोलते हैं, इसको इतना इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने का ट्राई क्यों करता है, इसका बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा. जिस टाइम पर वेलेसली 1798 में इंडिया का गवर्नर जनरल बना था, सेम टाइम पर फ्रांस में राइज हो रहा था नेपोलियन का. तो नेपोलियन का राइज हो रहा है फ्रांस में एंड 1798 में नेपोलियन इजिप्ट को जीत चुका है. इजिप्ट को जीतने के बाद नेक्स्ट टारगेट इंडिया लग रहा था. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनिकेट किया था वेलेसली के साथ और बोला गया था कि नेपोलियन और फ्रांस ये हमारे जो ईस्टर्न कॉलोनीज हैं, ईस्टर्न एरियाज हैं, इनसे बहुत जेलसी रखते हैं. क्लियर रेफरेंस था इंडिया के लिए. अब वेलेसली को पता है कि विदाउट लोकल सपोर्ट नेपोलियन इंडिया में नहीं जीत सकता. दैट्स वाई वो इंडिया में लोकल सपोर्ट को खत्म करना चाह रहा है और हमारे रूलर्स को सबॉर्डिनेट करना चाह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में और इसलिए इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करता है सब्सिडरी अलायंस. हम इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को समझते हैं. क्या होती थी सब्सिडरी अलायंस की कंडीशंस. फर्स्ट मान लीजिए हमारा एक स्टेट है, ओके, और ये साइन करती है ट्रीटी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ या हम कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ. देन आपको याद रखना है एक ब्रिटिश आर्मी, ठीक है, हमारे जो रूलर है जिसने साइन किया ट्रीटी उसके स्टेट में रहेगी एक आर्मी. अगर आर्मी नहीं भी रहेगी ब्रिटिशर्स की, देन अगर अपनी स्टेट की आर्मी है तो उसको कमांड करेंगे ब्रिटिश ऑफिसर्स. क्लियर. अब ये आर्मी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी एक्सटर्नल थ्रेट, तो एक्सटर्नल थ्रेट अगर है तो उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और अगर इंटरनल डिसऑर्डर है देन ये आर्मी जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, जो स्टेट है इसके एक्सटर्नल अफेयर्स किसके कंट्रोल में हो जाएंगे, तो ये कंट्रोल में हो जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट. अब हमारे जो बंदा है, जो रूलर था, इसने इस ट्रीटी को साइन किया है, वो विदाउट द परमिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वो किसी दूसरे रूलर के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकता है. क्लियर. नेक्स्ट, हमारा जो रूलर है जिसने इस ट्रीटी को साइन किया है ये एम्प्लॉय नहीं कर सकता है, ठीक है, किसको, यूरोपियंस को. अगर इसको एम्प्लॉय करना यूरोपियंस को तो पहले परमिशन लेनी होगी, कंसल्ट करना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ. ओके, नेक्स्ट, ये जो आर्मी रखी गई है इसका खर्चा कौन देगा, तो इसका खर्चा देगा हमारा रूलर. ओके, अगर देखिए स्मॉलर स्टेट है तो कैश में पैसा देना होगा और अगर बिगर स्टेट है तो जो जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है, जो मेंटेनेंस है वो देनी होगी
एरियाज के बेस पर या टेरिटरी, आपको टेरिटरी देनी होगी। आपको याद रखना है अगर छोटी स्टेट है तो क्या देना होगा कैश, और अगर बड़ी है देन क्या देनी होगी टेरिटरीज, और यहां से लगान वसूल करेंगे ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, नेक्स्ट जो स्टेट की कैपिटल होगी या हेडक्वार्टर होगा, ओके, तो इस कैपिटल में एक ब्रिटिश एजेंट रहेगा जिसको हम बोलते थे रेजिडेंट। थ्योरी में बोला गया कि रेजिडेंट जो है इंटरनल मैटर्स में, ठीक है, इंटरफेरेंस नहीं करेगा, बट प्रैक्टिकल में क्या होता था, ये डेली बेसिस पर इंटरफेयर करता था। तो ये कंडीशंस थी जिसके बेस पर सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी साइन होती थी। क्वेश्चन आता है वेलेसली किस किस रूलर के साथ इस ट्रीटी को साइन करता है, तो डिफरेंट रूलर्स के साथ इट साइन करता है। फर्स्ट आपको याद रखना है 1798 में सबसे पहले साइन किया गया निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ, निजाम के साथ। नेक्स्ट 1799 में इम्पोज कर दिएगा सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी को ऑन मैसूर, टीपू सुल्तान को मार दिया गया था सीर में और इसको इम्पोज कर दिया गया मैसूर के ऊपर। नेक्स्ट 1803 में इसको साइन किया गया भोसले के साथ, इससे पहले आपको याद रखना है 1802 में मराठाओं के पेशवा के साथ ही इसको साइन किया गया था। ओके, नेक्स्ट 1804 मराठा सरदार सिंधिया के साथ इसको साइन किया गया, तो ये मराठा सरदार है, ये पेशवा मराठाओं के हेड होते हैं, पेशवा के साथ साइन किया, भोसले के साथ साइन किया गया, फिर सिंधिया के साथ। नेक्स्ट जोधपुर के रूलर्स के साथ साइन किया गया, जोधपुर के रूलर, जयपुर, बूंदी, तो राजस्थान के बहुत सारे हमारे रूलर्स उनके साथ भी साइन की गई। तो ये डिफरेंट रूलर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी को साइन किया गया था। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेलेसली के टाइम पर कुछ फेमस वॉर्स होती हैं, ये हमें डिस्कस करना। फर्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई है 1799। वेलेसली को पता है कि टीपू सुल्तान फ्रांस का फ्रेंड है, ओके, और वो कम्युनिकेट कर रहा है नेपोलियन के साथ। देन वेलेसली ने टीपू सुल्तान को ऑफर दिया कि वो सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी को साइन कर ले, टीपू सुल्तान रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद वेलेसली अटैक करता है, लड़ाई होती है और 1799 में टीपू सुल्तान वॉज किल्ड। देन अब मैसूर का क्या होगा आगे इसको समझिए। देन टीपू सुल्तान के मरने के बाद मैसूर को दे दिया गया वोडियार डायनेस्टी के बंदे को, मैसूर को दे दिया गया, हैंडओवर कर दिया गया, कुछ एरियाज को छीन लिया गया था, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल में कर लिया गया कंपनी के, और कुछ एरियाज को वोडियार डायनेस्टी को दे दिया गया। ये वोडियार डायनेस्टी क्या है, हैदर अली ने इस वोडियार डायनेस्टी से ही, ठीक है, पावर को कैप्चर किया था। वोडियार डायनेस्टी को देने के बाद मैसूर के साथ ट्रीटी साइन कर दी गई जिसको बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस। ओके, तो मैसूर का जो डेंजर था वो खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। मराठाओं के जो हेड होते थे वो होते थे पेशवा, बट धीरे धीरे पेशवा वीक हो रहे थे। ओके, और जब पेशवा वीक हो रहे हैं तो जो मराठा किंगडम है, जो मराठा हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट पावर सेंटर्स बन रहे थे, ये आपको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पर कुछ सरदारों के नेम आएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंधिया, तो सिंधिया है ग्वालियर, तो ग्वालियर के आसपास का जो एरिया है वो सिंधिया कंट्रोल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है भोसले, अभी हमने नाम इनका डिस्कस किया था जब हमने सब्सिडी अलायंस को पढ़ा था, तो भोसले ये है नागपुर, नागपुर वाले एरिया में। ओके, नेक्स्ट है गायकवाड़ है ये गुजरात वाले एरिया में, बड़ौदा वाले एरिया में। ओके, नेक्स्ट है होलकर इंदौर, और नेक्स्ट है पेशवा वीक हो रहा है उस टाइम पर जब वेलेसली गवर्नर जनरल था, तो मराठाओं के पेशवा थे बाजीराव टू, क्लियर। अब पेशवा को पता है कि भाई वो तो बहुत ज्यादा वीक है, दैट्स व्हाई वो क्या करता है कि ये सरदार जो थे इनको आपस में लड़ाता है,
दूसरी तरफ जो सरदार है मराठा सरदार वो पेशवा के ऊपर ठीक है अपने पावर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। देन क्या होता है कि सिंधिया और पेशवा का एक अलायंस बन जाता है। इस टाइम पर सबसे ज्यादा पावर जो है वो है होलकर की, होलकर ऑफ इंदौर। देन अब क्या होता है, पेशवा होलकर के ब्रदर, होलकर के ब्रदर का नाम है विट्ठू जी, ठीक है, इनका मर्डर करा देता है। जब होलकर को पता चला कि मेरे ब्रदर का मर्डर हो गया है और पेशवा इसमें जो है शामिल है, देन होलकर अटैक करता है पेशवा के ऊपर। अटैक हुआ, पेशवा ने हेल्प मांगी सिंधिया से, दोनों की कंबाइंड फोर्सेस लड़ाई करती हैं होलकर के साथ, बट होलकर जो है वो पेशवा को हरा देता है। अब पेशवा जिनका नाम है बाजीराव टू, ये जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कि मुझे बचा लीजिए। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है आइए, नो टेंशन, हम आपको बचाएंगे, हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, बट उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें आपको हमारे साथ एक ट्रीटी करनी होगी। अब एक ट्रीटी साइन होती है और इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ बसीन। ये साइन होती है 1802 में और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन सेम थी जो हमने डिस्कस की थी अभी सब्सिडियरी अलायंस में। तो इस टाइप से अब पेशवा जो था वो किसके सब्जुगेट हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। मराठा सरदारों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। देन क्या होता है, भोसले एंड सिंधिया ये लड़ाई करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। अभी तक होलकर, ठीक है, होलकर जो है वो नहीं आ रहा लड़ाई में, तो भोसले लड़ाई कर रहा है, ये हार जाते हैं, उसके बाद सिंधिया जाते हैं, ये भी हार जाते हैं, नेक्स्ट फिर होलकर आता है। तो अलग अलग ये मराठा सरदार लड़ने आ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है आइए वन बाय वन, और इनको सबको हरा देती है और डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटी इनके साथ साइन किए जाते हैं। इस टाइप से मराठाओं की पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो आपको याद रखना है वेलेजी के टाइम पर ये दो फेमस वॉर्स हुई है, फर्स्ट फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान को मार दिया गया, नेक्स्ट जैसे हमने डिस्कस किया था एंग्लो, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेलेजी की, फोर्ट विलियम कॉलेज की। वेलेजी बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाता है। इस कॉलेज का ऑब्जेक्टिव था ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करना, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडिया में, उनको एडमिनिस्ट्रेटर बनना था, तो इंडिया के कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में उनको नॉलेज देना, उनको पर्शियन के बारे में बताना, अरेबिक पढ़ाना, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ट्रेन करने के लिए ये फोर्ट विलियम कॉलेज बनाता है, बट ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने ऑर्डर दिया कि इसको बंद कर दीजिए और बाद में इस कॉलेज को बंद करना पड़ा। ओके फ्रेंड्स, 1805 में वेलेजली को वापस बुला लिया गया, वेलेजली चला जाता है। सेम टाइम पर हमने डिस्कस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को फिर से इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया, बट जब लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया आया तो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये था लॉर्ड वेलेजली। ओके, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको सब्सक्राइब करिए, सॉरी इसको लाइक करिए, ओके, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।